दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, तो पहले इन शब्दों की आउटलाइन आप देखें, देखने के बाद में इन्हें बनाने का प्रयास करें और इसी तरह से आप डिक्टेशन को लिखें। डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ना निश्चित है, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियां भी निरंतर कम आएंगी। यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां आपकी अधिक आ रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ये और यदि आप बिल्कुल एकदम से नए हैं यानी अभी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की करना चाह रहे हों, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं पहले इन शब्दों की आउटलाइन बना के बता रहा हूँ, उसके बाद में पहले आप देखें उसके बाद प्रयास करें। सबसे पहला शब्द है खुलकर समर्थन करना। इस तरह से लिखेंगे, खुलकर समर्थन करना, खुलकर समर्थन करना। इसके बाद में है खुलकर विचार रखना, खुलकर विचार रखना। आगे है खुलकर बात कहना, खुलकर बात कहना, खुलकर बात कहना। इसी प्रकार से आगे है खुलकर बहस होनी चाहिए, खुलकर बहस होनी चाहिए। इसके बाद में है खुलकर चर्चा करनी चाहिए, खुलकर चर्चा करनी चाहिए। आगे है खुलकर सामना किया जाना चाहिए, खुलकर सामना किया जाना चाहिए। इसके बाद में है खुलकर आमने सामने, इसको बनाएंगे खुलकर आमने सामने। इसी प्रकार से आगे है खुलकर आरोप लगाना, खुलकर आरोप लगाना, ये हो गया खुलकर आरोप लगाना। इसके बाद में है खुलकर सहायता करनी चाहिए, खुलकर सहायता करनी चाहिए, ये हो गया खुलकर सहायता करनी चाहिए। इसके बाद है खुलकर साथ देना, खुलकर साथ देना। आगे है खुलकर विरोध करना, खुलकर और ये विरोध करना, खुलकर विरोध करना। उसके बाद में है खुलकर आलोचना करना, खुलकर आलोचना करना। इसी प्रकार से आगे शब्द है खुलकर सामना करना, खुलकर सामना करना। इसी तरह से आगे शब्द है खुलकर इस्तेमाल हुआ, खुलकर इस्तेमाल और ये हुआ, ये हो गया खुलकर इस्तेमाल हुआ। आगे है खुलकर बहस हो रही है, खुलकर बहस हो रही है। इसी तरह से आगे शब्द है खुलकर विचार किया गया है, खुलकर विचार किया गया है। आगे है खुलकर सहयोग करना, खुलकर
सहयोग करना, खुलकर सहयोग करना। लास्ट में है खुलकर जवाब देना, खुलकर जवाब देना। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई है। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे, बुक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ना निश्चित है। और हमेशा जो ट्रांसलेट है शॉर्ट हैंड का, उसको आपको लिख कर ही करना है, चाहे आप कंप्यूटर पर टाइप करके आप करें या फिर हाथ से लिख कर करें। कभी भी बोल करके ट्रांसलेट नहीं करना है, हमेशा उसको लिख करके करना है, जिससे कि आपकी जो गलतियाँ हैं उनके बारे में आपको मालूम होगा। और अपने किसी सीनियर साथी से उसको हमेशा चेक कराते रहिए, जिससे कि वो आपकी गलतियों के बारे में बता सकें। इस प्रकार से यदि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ना निश्चित है और आपकी गलतियाँ होना भी स्वाभाविक है, सॉरी गलतियाँ आपकी कम होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, यही प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरह से यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, और कम से कम अब आपको 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड की, और इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए तो आगे बढ़ना आपका निश्चित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।